शिवसेना की ओर से आज जयंत टॉकी चौक परिसर में भाजपा नेता किरीट सोमैया के विरोध में आंदोलन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिवसेना के पदाधिकारी एवं शिवसैनिकों की मौजूदगी थी। ये आंदोलन किस संदर्भ में किया गया, देखते हैं इस खबर में। शिवसेना की ओर से आज जयंत टॉकीज चौक परिसर में भाजपा नेता किरीट सोमैया के विरोध में जोरदार आक्रोश आंदोलन किया गया और इस मौके पर आंदोलनकारियों ने भाजपा नेता किरीट सोमैया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस आंदोलन में शिवसेना जिला प्रमुख संदीप गिरे, महानगर शिवसेना प्रमुख प्रमोद पाटिल के साथ बड़ी संख्या में शिवसेना के अन्य पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी तथा शिवसैनिकों की मौजूदगी थी। तो सुनिए इस आंदोलन में इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले शिवसेना जिला प्रमुख संदीप गिरे ने भाजपा नेता किरीट सोमैया पर आरोप लगाते हुए क्या कहा, स्वयं उन्हें जुबानी। जो किरीट सोमैया देशभर घुमून या नेत्यावरती त्या नेत्यावरती महाविकास आघाडी नेत्यावरती आरोप प्रत्यारोप करून राहिला, परंतु तुम्ही बघितले असेल जो काल माहितीच्या अधिकाराच्या समोर आलेला जो विषय आहे, विक्रांत जो आपल्या देशाचा जो विषय होता त्याच्यावरती त्याचे जो पैसे त्यांनी 55 कोटी जवळपास जमा केले ते पूर्ण ना त्याच्यात माजी सैनिकांपासून सामान्य लोकांचे जे पैसे होते का जो विक्रांतच्या राजभवनाला जो जमा करून त्याला जो वाचवणार होता ते पैसे गेले कुठे याचं साधं उत्तर त्याच्याकडे नाही याची चौकशी होऊन आणि पूर्ण देशभवनाची जो लोकांशी जो लोकांच्या देशातल्या लोकांच्या मनाशी जे खेळला आहे यासाठी त्याच्यावरती देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी आमच्या शिवसेनेतर्फे मागणी आहे। आम्ही याचा जाहीर निषेध करतो। जय भवानी, जय शिवाय। सीटी विकले हमारे विशेष प्रतिनिधि वैभव वारकर की रिपोर्ट।